नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो मैं पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से बिहार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर उनकी कम सैलरी है तो उस केस में वो क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। मैंने इन 2 सालों में काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जो मेंटली प्रेशर था काफी, जो है मैंने उन लोगों से आप जितना भी हो सकता था इंस्टाग्राम पे या वीडियो पे जो भी वो कमेंट करते हैं, मैंने हर एक वीडियो पे या इंस्टाग्राम पे जो भी मैसेज आया उसका रिप्लाई दिया ही दिया है। दोस्तों अगर आप एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, अगर आपने कोई नया जॉब स्टार्ट किया है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपकी सैलरी 25,000-30,000 रुपये है, और आप देखते हैं कि आपके ऑफिस के बाहर एक क्रेडिट कार्ड बेच रहा है और वो बोल रहा है कि आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या ये पेड है, तो दोस्तों जितना दूर रह सके उतना ही आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो अगर आपने वो क्रेडिट कार्ड लिया तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से बवंडर होता है उस तरीके से आप फंसते चले जाएंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पिछले 2 साल से जो लोग मेरे पे इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो मेरे को वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैं उनको देख के जो है वीडियो को बना रहा हूँ, या जो प्रॉब्लम वो आज फेस कर रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आप ही उस प्रॉब्लम को फेस करें। दोस्तों काफी लोग जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, मेरी सैलरी 25,000 रुपये है और मेरा जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 35,000 रुपये है, अब वो 35,000 भी मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर कि मैंने आज जॉब स्टार्ट की, मेरी अगले महीने की सैलरी 25,000 आने वाली थी, लेकिन उससे पहले मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल गया। आज जॉब स्टार्ट किया, तीसरे दिन जो है मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल गया और मेरी सैलरी जो आने वाली थी उससे पहले मैंने जो मेरे को क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली थी 35,000, मैंने 35 के 35,000 यूज कर ली। अब मेरी सैलरी आ रही है 25,000, मेरे को पे करना है 35,000 रुपये। अब जहां पर मेरे को 35,000 रुपये पे करना है, मेरी सैलरी 25,000 है, तो जाहिर सी बात है मैं 10,000 रुपये कहीं से उधार लेके उसका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करूंगा, और उस पेमेंट करने के बाद जो है उस 35,000 का जो भी मैंने पे किया उसको फिर से मैं निकाल लूंगा अपने पेटीएम में और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। जो भी उसके चार्जेस हैं, जो 4% जो चार्जेस लेते हैं या 3% जो चार्जेस लेते हैं, वो पे करके मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल लूंगा। अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने क्रेडिट कार्ड का 35,000 टोटल यूज किया, जैसी सैलरी आई मैंने उसको पे करा और 10,000 रुपये कहीं से उधार लिए और उसको फिर मैंने पेटीएम में लोड कर लिया। 10,000 जिसके लिए थे मैंने उसको रिटर्न कर दिया, बाकी जो 25,000 रुपये थे मैंने उसका जो भी मेरा यूटिलाइजेशन था मैंने खर्च कर लिया। अब क्रेडिट कार्ड का तो मैंने निकाल लिया और जो पैसा मेरे बचे थे वो भी मेरे इधर उधर कहीं खर्च हो गए, अब फिर से मेरे को क्रेडिट कार्ड का पैसा पे करना है, अब मैं कहाँ से पे करूँ। इसी तरीके से बवंडर में आप फंसते चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आप ये जानते होंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड लगाती है कहीं पर 36%, कहीं पर 40%, कहीं कहीं पर तो 44%। अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हैं तो अगर आप देखते होंगे कि जब 15% भी आपको बोला जाता है तो वो आपको बहुत ज्यादा लगता है, 18% बोला जाता है तो वो आपको बहुत ज्यादा लगता है, वहीं एक क्रेडिट कार्ड आपको 44% पे और 40% पे मिलता है तो आप उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको यूज करूंगा और पेमेंट तो कर ही दूंगा। लेकिन 98% मैं बोलूंगा, अगर 100 लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो 98% लोग फंसते हैं, 2% कहीं ना कहीं उससे उभर पाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी सही होती है या उनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर किसी का अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सिर्फ अपने सैलरी पे ही टिके हुए हैं, तो उनको क्रेडिट कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप ये लोग ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए नहीं जरूरत है, या आप हमको क्यों एडवाइस दे रहे हैं। अब एडवाइस मैं ये नहीं दे रहा है दोस्तों कि आप उसको यूज ना ही करें, लेकिन जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ इन 2 सालों में, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने स्टार्ट किया है, जो लॉकडाउन से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, आज 2022 हो चुका है और ये सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल जो है मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफी लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी या मैंने जो है अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया और उसके बाद जो है मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, घर पे प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं, अगर आप कहीं पर भी जो है अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए। एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड का कॉल आ जाएगा कि हम भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा आप ले लीजिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा करते करते क्रेडिट कार्ड के बवंडर में आप फंसते चले जाएंगे, लेकिन वहां से उभर नहीं पाएंगे। फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप हमारे जैसा किसी का वीडियो देख रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे जो है मैं इसका छुटकारा पाऊं, कैसे मैं इसको सेटलमेंट कराऊं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक जो है हमको मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, जो भी उनके डाउट है वो सॉर्ट आउट करता हूँ।
एक ऐसा बंदा नहीं बोल सकता कि मैंने कभी किसी से पैसे लिए हैं। 2 बजे भी वो मैसेज कर रहा है तो उसके अगले दिन मैं उसका सुबह ही रिप्लाई कर ही देता हूँ कि आपका ये हो सकता है या ये इस तरीके का कुछ केस हो सकता है। यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि दोस्तों कि जो भी नए जो जो लोग प्राइवेट जॉब करने के लिए गए हैं या जो भी जो फर्स्ट फ्रेशर है एक तरीके से, वो क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रहे उतना ही सही है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब वाले ही परेशान हैं। अगर मेरे पास 100 मैसेजेस आ रहे हैं तो उसमें से 5% 10% वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो भी परेशान हो चुके हैं कि मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा बवंडर है दोस्तों कि जो आपको फंसाता चला जाएगा लेकिन आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। दो ही आपका यहाँ पर जो है केस होगा, या तो आप सेटलमेंट करा लेंगे या जो है आप डिफॉल्टर बन जाएंगे जहां पर आप पेमेंट नहीं करेंगे। लास्ट में जो है आपका सिविल एक तरीके से बिल्कुल माइनस में जा चुका होगा और कोई बैंक लोन आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप ये सोचे कि ऐसा क्या है प्राइवेट जॉब में या क्या है, लेकिन जो इन 2 सालों में मैंने देखा है लॉकडाउन से लेकर अभी तक 2022 हो रहा है और इस सितंबर मंथ स्टार्ट होने ही वाला है, यहां तक जितने भी लोग मेरे को मैसेज करते हैं मैंने देखा है कि चाहे प्राइवेट जॉब वाले, ज्यादातर प्राइवेट जॉब वाले ही परेशान है। KPMG में वर्क कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं, IBM में पता नहीं कौन कौन सी कंपनी में काम करें, बड़े बड़े कंपनियों में काम करें, सैलरी भी 50-60-70 हज़ार है, वो भी परेशान है क्रेडिट कार्ड से। लाइफ स्टाइल बना लिया है क्रेडिट कार्ड को। अगर मेरा फ्रेंड पैसे खरीद सकता है या मतलब फ्रेंड जो है एक 50 हज़ार का फोन खरीद सकता है तो मैं भी फोन खरीद सकता हूँ, वो भी भले EMI पे लो। दोस्तों माफी चाहूंगा आपसे कि इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअल यही है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ एक भाई के तरीके से बता रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रह सके उतना ही आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। अगर आप एक जॉब नया स्टार्ट कर रहे हैं या चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड भूल के भी ना लें। जहां पर आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो वो आपको एक ना एक दिन डुबा ही देगा, एक तरीके से आप अपना ही कब्र खोद रहे हैं। आप पर्सनल लोन ले ले या गोल्ड अगर आपके घर में है तो गोल्ड लोन ले ले या अपने फ्रेंड सर्कल से पैसे उधार ले ले, लेकिन कभी भी क्रेडिट कार्ड के चक्करों में ना पड़े। जहां पर आप क्रेडिट कार्ड के चक्करों में पड़ेंगे कल की डेट में आप ही उस गड्ढे में गिरेंगे और आप हमारी जैसा किसी का वीडियो देख रहे होंगे आने वाले 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कि आप इस क्रेडिट कार्ड से कैसे मैं दूर भागूं या कैसे मैं इसका सेटलमेंट कराऊं या क्या हो सकता है अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करता हूं तो। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ या आप ये सोचे कि बहुत ज्ञान दे रहा है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने 2 सालों में बहुत लोगों को देख लिया, अच्छे खासे लोगों को देखा जिनकी सैलरी 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है और जिसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है वो 7-8 लाख रुपए कर्जों से परेशान है, जिसकी 30 हज़ार रुपए सैलरी है वो 70-80 हज़ार रुपए से परेशान है, जिसकी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है वो 10 लाख से परेशान है। लेकिन परेशान क्यों है? क्रेडिट कार्ड से। कोई भी ऐसा बंदा मेरे पास नहीं आया जो ये बोला हो कि मैं पर्सनल लोन से परेशान हूं। ज्यादातर बोलते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड से परेशान हूं। 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 1-1 लाख रुपए है, जो सीधे 5 लाख, सैलरी कितनी है 1 लाख। अब 1 लाख रुपए सैलरी में 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो कहां से होगा? यूटिलाइजेशन इतना, पर डे का खर्चा इतना, सैलरी आती है महीने में एक बार और खर्चे हैं जो हर महीने हर एक दिन जो है खर्चे होते हैं, 300 दिन खर्चे हैं, सैलरी आनी है 30 दिन में एक बार। तो इसलिए मैं आपसे दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड से जितना दूर रह सके, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉय उतना ही दूर रहे। मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं, मेरे को वीडियो के नीचे लोग कमेंट करते हैं, मैं 110% उनका रिप्लाई देता हूँ बिना पैसे के। ना ही मेरे को कोई प्रॉफिट उनसे लेना देना है, ना ही कुछ नहीं लेना देना। मैंने इस चैनल को लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मैं भी एक जॉब करता हूँ, मैं भी लॉकडाउन में इस चैनल को इसलिए स्टार्ट किया था कि देख सकूँ कि एक्चुअल में क्या जो मैंने सेटलमेंट आज से 2016 में किया था, मतलब आज से करीबन 6-7 साल पहले जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किया था, और वो सेटलमेंट सेटलमेंट नहीं किया कहा जा सकता क्योंकि उस कार्ड पे फ्रॉड हुआ था, 1 रुपए का भी मैंने उस कार्ड पे यूज नहीं किया था। लेकिन जो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी और जो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने अपना जो सिनेरियो बताया था कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरे कार्ड पे फ्रॉड हुआ, किसको पेमेंट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जितने भी वीडियोस पे मेरे व्यूज आए, जितने भी लोगों ने कमेंट किया चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे वीडियो के नीचे, मैंने ये तो देख लिया कि प्राइवेट जॉब वाले बहुत ही परेशान हैं क्रेडिट कार्ड लेके। इसलिए जितना दूर रह सके उतना ही सही है आपके लिए दोस्तों, ठीक है।